उत्तर प्रदेश की राजनीति में धनंजय सिंह अपने नाम और काम के लिए खासे चर्चित रहे हैं। लोगों के बीच खौफ से लेकर राजनीति के पक्के खिलाड़ी तक का सफर उन्होंने खुद तय किया। सूबे की राजनीति में कई दलों से टिकट पाने के बाद बीजेपी के करीबी होने की बात भी सामने आई। वहीं इस बात की वानगी तब देखने को मिली जब मंगलवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व सांसद चंदौली पहुंचे। दरअसल पूर्व बाहुबली के काफिले में बीजेपी के झंडे लगे वाहन भी शामिल थे, जिसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही धनंजय सिंह ने यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि चंदौली में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने इस बात को नकार दिया। धनंजय सिंह ने कहा कि राजनीति में किसी से मिलना गलत नहीं है, लेकिन तस्वीर देखकर कयास लगाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के महासचिव होने के चलते हम पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी बड़ा चेहरा बनकर उभरेगी। चंदौली हम लोगों के छात्र जीवन से यहाँ स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी प्रमुख रहे यहाँ से, और बड़ा पुराना रिश्ता था हम लोगों से, 30 वर्षों से अधिक का पुराना रिश्ता था। उन्हीं आए थे आज द्वार करने के लिए, आए थे परिवारजनों से मिला मैंने। राजनीति में किसी से मिलना जुलना कोई वो है आपसे? और फोटुओं के आधार पे कयास नहीं लगाए जाते हैं। हम लोग जेडीयू में हैं, जेडीयू को मजबूती दे रहे हैं प्रदेश में, और आने वाले लोकसभा के 2024 के चुनाव में जेडीयू यहाँ से उत्तर प्रदेश से उसकी भागीदारी रहेगी। हम जेडीयू को मजबूत करेंगे, नीतीश जी को मजबूत करेंगे। बता दें कि धनंजय सिंह बीते यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार थे। यूपी में जेडीयू के वो एकमात्र उम्मीदवार थे जिनकी जमानत जब्त नहीं हुई थी। उन्हें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लकी यादव ने चुनाव में हराया था। ये लगातार तीसरी बार था जब धनंजय सिंह चुनाव हारे थे, जिसके बाद माना जा रहा है कि अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रहे धनंजय सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बारे में धनंजय सिंह ने तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। बहरहाल सूबे की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले क्या दांव पेच खेले जाते हैं और कौन से नए समीकरण सामने आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। इंडिया पब्लिक खबर के लिए चंदौली से संवाददाता दिनेश यादव की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।